हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आरबी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे। ये नया जजमेंट 498A में पति को ढेरों सारे फायदे लेकर आया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। 2015 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई। 2018 में पत्नी ने एक FIR अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ अंडर सेक्शन 498A, 323, 504, 506, 307 में दर्ज करवाई और साथ में ये कहा कि पति के द्वारा मेरा गर्भपात भी करवाया गया। ऐसे में पत्नी ने 377 और 330 लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन जब जांच हुई तो पत्नी 377 और 330 में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत न कर सकी और बाद में चार्जशीट फाइल हुई तो वो IPC की सेक्शन 498A, 323, 504 और 506 में हुई और इस केस में से देवर और ननद का नाम भी हटा दिया गया। उसके बाद ससुराल वालों ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की तो उसमें कोर्ट ने सुनवाई की तो कोर्ट ने कहा कि 498A का इसी तरह से दुरुपयोग होता रहा तो आने वाले समय में लोग शादियां करना बंद कर देंगे। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब 498A के तहत पत्नी की तरफ से मुकदमा करवाया जाएगा तो 2 महीने का पीरियड कूलिंग पीरियड कहलाएगा। ऐसे में व्यक्ति को गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन गंभीर आरोपों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत बहुत ही कम किए जाते हैं या कई बार सेटलमेंट हो जाती है। और अगर समझौता हो जाता है तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा केस को उसी स्टेज पर खत्म कर दिया जाएगा। इस केस में ससुराल वालों के नाम केस से निकाल दिए गए। इस केस में केवल पति के खिलाफ ही आरोप रह गए। यह जजमेंट उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो झूठे मुकदमे का शिकार हुए हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।